कई खबरें आपको विस्तार से दिखाएंगे। सबसे पहले राजधानी दिल्ली की बात करेंगे, दिल्ली एनसीआर की बात करेंगे, जहां के 11 स्कूलों में बम की धमकी मिली है। नोएडा के 2 स्कूल भी इसमें शामिल है, 11 स्कूल हैं कुल मिलाकर जिसमें बम होने की सूचना मिली है। आपको ये बता देते हैं कि बड़े स्कूल हैं ये, नामी स्कूल हैं जहां पर बम होने की सूचना मिली है। अब आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि पुलिस मौके पर मौजूद है, हर स्कूल के अंदर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने एहतियातन तभी स्कूलों को खाली करा लिया है, बच्चों को घर भेज दिया है, स्कूलों की जांच चल रही है। बम निरोधक दस्ता पुलिस की टीम के साथ मौजूद है, स्कूलों में इस समय मौजूद है ना सिर्फ बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड की टीम भी लगातार तलाशी अभियान में डटी हुई है। स्कूलों में बम की धमकी के बाद जांच तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस की शुरुआती तफ्तीश में यह पाया गया है कि एनसीआर के इलाकों में स्कूलों को ईमेल भेजे गए हैं, शरारती तत्वों का हाथ इसमें हो सकता है। विस्तृत तरीके से पूरे मामले की जांच चल रही है, साइबर एक्सपर्ट्स की भी मदद ली जा रही है। नोएडा में डीपीएस सेक्टर 30 स्कूल को बम से उड़ा देने की धमकी मिली है। बताया ये भी जा रहा है कि दिल्ली इंग्लिश एकेडमी के नाम से ईमेल स्कूल को भेजे गए हैं। देखिए, एक मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि डीपीएस में कोई धमकी भरा कार्य हो रहा है, उसके विषय में तत्काल सभी ऑफिसर्स मौके पर पहुंचे, जिसमें हमारी एएसजेड टीम, बीडीडीएस टीम के साथ साथ फायर ब्रिगेड और सीनियर ऑफिसर्स मौके पे हैं। सभी जो बच्चे हैं उनको सकुशल घर भेज दिया गया है, बाकी हम लोग सर्च एक कर चुके हैं, अभी तक वहाँ पे कोई इसी तरह की अवांछित वस्तु नहीं मिली है। फिर भी हमारी टीमें कंटिन्यू चेक कर रही हैं, हम इंश्योर कर रहे हैं कि कहीं पर कोई चीज़ ना हो। और आइए सीधे रुख करते मेरे सहयोगी हिमांशु की तरफ, जो कि इस समय नोएडा से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। हिमांशु, देखिए, बच्चे डरे हैं, पेरेंट्स डरे हुए हैं, आसपास के जो स्कूल के घर हैं वहां लोग डरे हुए हैं, स्कूल्स डरे हुए हैं, ये पूरा मामला विस्तार से बताइए, ताजा अपडेट भी इस मामले पर दीजिए, क्योंकि नोएडा के भी 2 स्कूल हैं जिनको धमकी मिली है बम से उड़ाने की। देखिए, जाहिर तौर पे इस समय हम नोएडा के डीपीएस स्कूल में मौजूद है, और आपको पहले चारों तरफ की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। मैं कैमरामैन से कहूंगा आपको दिखाएं, यहाँ पर जो स्कूल का स्टाफ है, मैनेजमेंट है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, तमाम लोग मौजूद हैं, और यहाँ पर लोगों को सेफली निकाला जा रहा है। ये जो पेरेंट्स हैं वो पहुंचे हुए हैं, यहाँ के स्टाफ है, मैनेजमेंट है, उनको सेफली निकाला जा रहा है, और ज्यादातर बच्चों को सेफली बाहर निकाला जा चुका है। जिस तरीके से बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, उसके बाद से एकाएक यहाँ पे मैसेज किया गया, पेरेंट्स को जानकारी दी गई, और जो तमाम लोग यहां पर पहुंचे हुए थे उनको धीरे धीरे पेरेंट्स को बच्चों को सुपुर्द करके बाहर भेजा जा रहा है। और अब यहां पर अगर बात करें तो फायर विभाग है, बॉम्ब स्क्वाड है, इसके अलावा जॉइंट सीपी सीनियर अफसर मौजूद हैं, और सेफली जो ये बॉम्ब की सूचना है उसको लेकर सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है यहां पर, ताकि जो बच्चे हैं वो सेफली निकाले जा सके। और टीचर्स हैं, गहमा गहमी बनी हुई है, आप इनसे रिएक्शन ले सकते हैं। बिल्कुल, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। मैम, क्या सूचना थी आप लोगों को? नो क्लू सर, आई डोंट नो। मैम, आप लोगों को क्या जानकारी मिली थी? देखिए, तमाम लोग हैं यहाँ पर, लेकिन लोग बसते हुए दिखाई दे रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं और निकल रहे हैं यहाँ से। फिलहाल बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, क्या सूचना आई थी आप लोगों को? हमें तो बस इवैक्यूएशन के लिए बोला था, और कोई नहीं। वी ऑल वर इन द क्लास, वी इवैक्यूएशन के लिए बोला था, वी ऑल वेंट टू द ग्राउंड, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल नाउ। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं, यहाँ पर इवैक्यूएशन के लिए खाली कराने के लिए बोला था, सभी बच्चों को ग्राउंड में ले आए थे, और ग्राउंड से एक एक करके जो पेरेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे उनको सपोर्ट किया जा रहा है। 6 बजे मेल आया है, और ये मेल जो सबसे पहले आया है वो दिल्ली के द्वारका और वसंत विहार डीपीएस स्कूल में सबसे पहले देखा गया है। लेकिन अब ये जानकारी ये भी मिल रही है कि नोएडा में पुलिस हर एंगल से जांच तो कर रही है, लेकिन माना ये भी जा रहा है कि कुछ शरारती तत्व इसमें उनका हाथ हो सकता है। नोएडा पुलिस इस मामले पर क्या ब्रीफिंग कर रही है हिमांशु? जाहिर तौर पे देखिए, आपको बता दें कि नोएडा पुलिस के सीनियर अफसर यहाँ पर मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे रहे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जॉइंट सीपी हमारे साथ, और लगातार जो फायर विभाग के कर्मी है, बॉम्ब स्क्वाड के कर्मी, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, और जिस तरीके से यहाँ पर जानकारी मिली थी उसके बाद जॉइंट सीपी भी यहाँ पर पहुंचे थे। सर, अभी क्या स्टेटस है और किस तरीके से आप लोग सर्च अभियान चला रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि जैसे ही ये सूचना प्राप्त हुई, तत्काल अभी सभी सीनियर ऑफिसर्स मौके पर पहुंच गए, हमारे फायर ब्रिगेड के 2 गाड़ियां पहुंच गए, सीएफओ साहब के साथ साथ हमारे एएस चेक टीम, बीडीडीएस टीम पहुंच गए, स्नाइफर डॉग्स पहुंच चुके हैं। फिर बाद में धीरे धीरे सूचना प्राप्त हुई कि न केवल नोएडा में वरन दिल्ली के भी कुछ स्कूलों में ये मेल गया है, उनके काउंटर पार्ट से भी बात हुई है, वहाँ पर भी सेम ड्रिल हो रही है। हमारे सभी जो बच्चे हैं, जहाँ जहाँ इस तरह की सूचना मिली थी वो सकुशल निकल गए हैं, अभिभावक गण हैं उनके साथ भी हमारी वार्ता हुई है, उनको भी कॉन्फिडेंस है, किसी तरह का कहीं कोई इश्यू नहीं है। हम एक बार थोरोली चेक
स्कूलों को सभी को करवा चुके हैं, रीचेक हम फिर भी करवा रहे हैं कि कहीं पे कोई इश्यू हो तो तत्काल उसको रिचेक। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कुल स्कूल की संख्या कितनी है? देखिए अभी एग्जैक्ट ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन 11 स्कूलों का भी हमें सूचना प्राप्त हुई है। दिल्ली के भी काफी स्कूलों से हम एडिशनल सीपी दिल्ली से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि 20 स्कूलों की सूचना उन्हें प्राप्त हो चुकी है, तो ये काफी स्कूलों में ये मेल आया है, तो इस पे कार्रवाई। नोएडा के सभी स्कूल जो डीपीएस के हैं उन पर ये मेल आया है? देखिए अभी ये कहना मुश्किल है कि सब पे आया है नहीं आया है, लेकिन अभी हमें तक जो सूचना मिली है उसके आधार पर कुछ स्कूलों में इस तरह की सूचना है। नहीं, कहीं कोई इश्यू नहीं है, आप देख रहे हैं कि सभी बच्चे कॉन्फिडेंट हैं, आप किसी बच्चे से भी बात कर लेंगे तो कोई पैनिक नहीं है, सब ठीक है। तो जाहिर तौर पे देखिए ये एडिशनल सीपीएन का कहना है कि किसी भी तरीके का कोई भी पैनिक स्थिति नहीं है। यहाँ पर एएस चेक जो टीम है और बॉम्ब स्क्वाड है, इसके अलावा यहाँ पे जो लोकल फायर विभाग की टीम है, खुद पुलिस विभाग के आला अधिकारी अफसर मौके पर मौजूद हैं। सभी लोग यहाँ पर जो सवाल आपने पूछा चुके हैं, और उसके बाद ये सही सवाल था कि जो शुरुआती जांच थी उसमें पहले 9 स्कूल बताए जा रहे थे, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो ये स्कूलों की संख्या 10 होगी, और इस पर अभी पुलिस अधिकारी कह रहे थे कि 20 स्कूल बताए जा रहे हैं जहां पर इस तरह के धमकी भरे मेल्स आए हैं। देखिए क्योस की स्थिति हो जाती है, पैनिक हो जाता है, बच्चे डर जाते हैं, पेरेंट्स डर जाते हैं। इस क्योस को कम करना, इस पैनिक लोगों के डरों को कम करना, ये भी एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि कल फिर स्कूल खुलेंगे और बच्चे आएंगे। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे, इस पूरे मैटर पर साइबर सेल की भी मदद ली जा रही है, इस पर आपके पास कोई अपडेट हो हिमांशु? देखिए जाहिर तौर पे आपको बता दें, मैं सबसे पहले टीम दिखाना चाहूंगा यहाँ पर जो मौके पर लोकल थाने की फोर्स है, इसके अलावा फायर विभाग की टीम है, और आपको बता दें यहाँ टेक्निकल सर्विलांस की मदद ली जा रही है, तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो मौजूद है, जो सर्च अभियान है वो बेसमेंट में चलाया जा रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण जो आप साइबर की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये साइबर के जरिए ये मेल किया गया है, धीरे धीरे संख्या बढ़ी, पहले 9 थी फिर 11 हुई, और अभी लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के 20 स्कूल है जहां पर इस तरीके का मेल गया है। लिहाजा जो साइबर की टीम है यहां गौतम बुद्ध नगर की, साइबर एक्सपर्ट्स हैं, उनकी मदद ली जा रही है, ये खंगालने की कोशिश की जा रही है, जानने की कोशिश की जा रही है आखिर इस मेल का ओरिजिन कहां से हुआ, इसका मोटिव क्या था, क्योंकि इन स्थिति में पैनिक हो जाते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं यहां पर जो पढ़ते हैं, जो पेरेंट्स हैं वो भी, तो लिहाजा इस तरीके की स्थिति बनी, और उसके बाद से यहां पर जो है तमाम पुलिस के अधिकारी अफसर पहुंचे हुए हैं, सर्च अभियान चलाया जा रहा है, एक बार पूरी तरीके से सर्च किया जा चुका है, लेकिन दोबारा एक बार फिर से सर्च अभियान चलाया जा रहा है ताकि कहीं कोई कमी कोई दिक्कत नहीं हो, कोई परेशानी ना हो, सभी को कॉन्फिडेंस में, ना सिर्फ बच्चों को कॉन्फिडेंस में लिया जाए बल्कि जो पेरेंट्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए, ताकि जो बच्चे हैं वो पूरी तरीके से सेफ हैं। पुलिस के अधिकारी अफसर तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं, और यहां पर जो बच्चे हैं, जो स्कूल मैनेजमेंट है, सभी को कॉन्फिडेंस में रखा जा रहा है, और सर्च अभियान चलाया जा रहा है, और जो पेरेंट्स आ रहे हैं उनके बच्चों को सुपुर्द भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल हिमांशु, इसमें ना सिर्फ पेरेंट्स डरेंगे, बच्चे डरेंगे, बल्कि स्कूल प्रशासन की भी चिंता उतनी ही बढ़ जाती है, क्योंकि वो आज इस तरह के माहौल को देख रहे हैं, और कल बच्चे जब स्कूल में आएंगे तो उनके लिए एक बार फिर से वहाँ पर नॉर्मल स्थिति पैदा करना, ये भी एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। हिमांशु, अब जो इस समय यहाँ आप नोएडा में मौजूद है, जो स्कूल के बाहर, यहाँ पर कितनी तफ्तीश कर ली गई है, और पुलिस का रिएक्शन इस पर, सुरक्षा बलों का रिएक्शन यही देखा जा रहा है कि ये किसी शरारती तत्व की ही साजिश इस पूरे मामले में है। बॉम्ब जैसी जो सूचना मिली है, ऐसी कोई हलचल यहाँ नहीं बनी हुई है, लेकिन अब कितना समय और यहां पुलिस अधिकारी रहेंगे, आगे की कार्रवाई कितनी देर यहां चलने वाली है? देखिए स्कूल के जो अधिकारी अफसर है उनका कहना है कि यहाँ पर जो सर्च अभियान है पूरी तरीके से कर लिया जाएगा, जब तक वो संतुष्ट नहीं होगा। आपको पीछे तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो धीरे धीरे अब मूव कर रहे हैं आगे की तरफ, और यहाँ पर पुलिस के अधिकारी अंदर की तरफ बढ़े हैं, कुछ उनके उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से बच्चे यहाँ पर भी हैं, बच्चे भी हैं, तमाम लोगों को सुपुर्द किया जा रहा है, और जो सर्च अभियान है आप देखेंगे यहाँ पे सामने कि अंदर जो है वो टीमें गई हुई हैं, अंदर टीम गई हुई है, स्कूल में अंदर सर्च अभियान जारी है, और कुछ प्राइवेट टीमें भी हैं, कुछ यहाँ पर जो साइबर की टीमें वो हैं, और इसके अलावा पुलिस के अधिकारी और अफसर भी है, बेसमेंट में भी चेकिंग की जा रही है, यानी स्कूल का एक एक कोना जांचा परखा जा रहा है, और जो भी जो बॉम्ब स्क्वाड है उसकी भी मदद ली जा रही है, स्नाइपर डॉग्स पहुंचे हुए हैं, तमाम चीजें जो है यहां पर पहुंची हुई हैं, तमाम अधिकारी अफसर पहुंचे हुए हैं, और एक एक कोना जांचा परखा जा रहा है, और आप देखेंगे ये स्कूल के एंट्री गेट पर मौजूद है, यहां पे जो अफसर हैं वो पहुंचे हुए हैं, इसके अलावा यहां पर जो टीमें हैं वो अंदर पहुंची हुई हैं, और सर्च अभियान बाकायदे चलाया जा रहा है। जी ठीक है, एक और सवाल बनता है, जितनी मेरे को जानकारी मिल पा रही है मानसू, के जो मेल आए हैं सब में मेल में एक ही पैटर्न में बात लिखी गई है, बम से उड़ाने की, धमकी देने की, लेकिन अब इस मेल के जरिए
उन लोगों तक पहुंचना जिन्होंने ये अफवाह फैलाई है या वाकई में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की ये साजिश रही है, ये एक बड़ी चुनौती पुलिस के लिए रहने वाली है। इसके लिए क्या रोड मैप रहेगा? साइबर सेल की भी मदद ली जा रही है क्योंकि आप वहां मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर यहां पर पुलिस अधिकारी भी मौजूद हैं। इस पर मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे पेरेंट्स की जानकारी आई है, उनके स्टेटमेंट्स आए हैं जो अपने दर्शकों को सुना देते हैं किस तरह से वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और अपने बच्चों को स्कूल से वापस घर लेके गए हैं। सुनिए पेरेंट्स को। एक्चुअली स्कूल में बच्चे मतलब बस स्टॉप में जाते वक्त स्कूल से मैसेज आया था कि आज अनअवॉइडेबल सिचुएशन की वजह से स्कूल छुट्टी है, तो वी वर नॉट अवेयर कि व्हाट इज द सिचुएशन, कि लेटर ऑन हमें पता चला कि देयर इज अ बॉम्ब थ्रेट इन द स्कूल। डेफिनेटली सर, थ्रेट तो है और डर बहुत ज़्यादा लगता है अगर ऐसे कुछ मैसेज आता है। डर इस चीज़ से लगता है, मैसेजेस तो आते रहते हैं ऐसे, लेकिन डर इस चीज़ से लगता है अगर ये सच होगा तो क्या होगा, क्योंकि अगर बम है तो आप समझो कि कोई भी बच्चा स्कूल भेजने से पहले, क्योंकि हम स्कूल अथॉरिटी के नाम पे अपने बच्चों को भेजते हैं, हमें तो वैसे DPS से और भी शिकायतें हैं लेकिन आज शिकायतों का टाइम नहीं है, लेकिन स्कूल सिक्योरिटी के मामले में कम से कम स्कूल बंद करके जाँच करवा रहा है, ये बड़ी अच्छी चीज़ हमें दिखी है। वैसे हमारे और भी शिकायतें हैं स्कूल से कि हमें एज अ पेरेंट्स भी स्कूल में इंटर नहीं करने दिया जाता है, तो ऐसे मैसेज कैसे आ सकते हैं कि स्कूल में बम थ्रेट हो रहा है। तो आप पेरेंट्स को सुन रहे हैं, देखिए डर उनके मन में है लेकिन वो पुलिस की कार्रवाई, सुरक्षा बलों की जो कार्रवाई, प्रशासन की जो कार्रवाई इस समय चल रही है उससे संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं नोएडा, हिमांशु शुक्ला हमारे साथ लाइव यहां से मौजूद है, तमाम तस्वीरें और अपडेट्स हमारे दर्शकों को लगातार दे रहे हैं। हिमांशु, पेरेंट्स वाकई में डरे हुए हैं और ये डर दिमागी वाकई में बढ़ जाता है, खासतौर पर जब बच्चों की बात बीच में आती है। पेरेंट्स के लिए भी इस डर से निकल पाना थोड़ा मुश्किल होगा और समय भी लगेगा, लेकिन बच्चे वाकई में डरे रहेंगे कि अब कल स्कूल जाएंगे तो ये जो बम मिलने की और बम होने की जो जानकारी मिली है, मेल मिली है, इसे कैसे आगे कल निपटेंगे बच्चे? देखिए, जाहिर तौर पे जिस तरीके से ये मैसेज आया उसके बाद स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से बच्चों के पेरेंट्स को ये मैसेज किया गया, जो तमाम व्हाट्सएप ग्रुप थे जिसमें बच्चे और पेरेंट्स का कोऑर्डिनेशन रहता है, उन ग्रुप पर मैसेज भेजे गए हैं। और मैसेज में देखिए, मैसेज आपको बताएं इस स्कूल का, बेसिकली जो नोएडा सेक्टर 30 DPS स्कूल है, यहाँ का अगर मैसेज बताएं तो बॉम्ब से रिलेटेड कोई सूचना नहीं दी गई थी। यहाँ पर सूचना दी गई थी कि यहाँ फायर लगी है, आग लगी है, उसको देखते हुए सेफली इवैक्यूएशन किया जा रहा है, पेरेंट्स मौके पर आए और बच्चों को हैंडओवर किया जाएगा। ताकि देखिए, स्थिति बॉम्ब की अगर बता दे तो एकाएक पैनिक की स्थिति होती है, फिर चाहे मैनेजमेंट के स्तर पर हो, चाहे यहाँ पर पेरेंट्स के स्तर पर हो, लिहाजा इस तरीके की स्थिति ना हो, पैनिक स्थिति ना हो, क्योस ना हो, इसको ध्यान में रखा गया है। और आपको देखिए तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे, ये जो स्कूल है हम DPS स्कूल में अंदर मौजूद है और सबसे पहले आपको वो ग्राउंड दिखाना चाहेंगे जहां पर बच्चों को इकट्ठा किया गया था। देखिए, सभी क्लास के टीचर्स को मैनेजमेंट ने सबसे पहले मैसेज किया और उसके बाद ये जो आप ग्राउंड देख पा रहे हैं, मैं आपको ग्राउंड दिखाना चाहूंगा, ये जो ग्राउंड आप देख पा रहे हैं पूरा लंबा बड़ा ग्राउंड है, यहां पे यहीं पर बच्चों को इकट्ठा किया गया था। जब पेरेंट्स बाहर इकट्ठा होने लगे तो पेरेंट्स को बाहर से बुलाकर अंदर एक एक करके बच्चे को सुपुर्द किया जाना शुरू कर दिया गया। लिहाजा इस तरीके की जब बनी उसके बाद से यहां पर मैनेजमेंट ने टेक लिया, मैनेजमेंट ने सबसे पहले पुलिस को सूचना दी और पुलिस को सूचना देने के बाद यहां पर पुलिस को सूचना दी और उसके बाद यहां पर पुलिस के अधिकारी अफसर सभी लोग पहुंचे हुए हैं और अब जाकर यहां पर जो स्थिति है वो कंट्रोल में की गई है। पुलिस सर्च अभियान चला रही है, बॉम्ब स्क्वाड पहुंचाए, एएस चेक की टीम पहुंची हुई है, इसके अलावा स्नाइफर डॉग पहुंचे हुए हैं, पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं, फायर विभाग की टीम, यानी पूरी तैयारी के साथ यहां पर पुलिस की टीम पहुंची थी और यहां पर स्थिति कंट्रोल में है। फिलहाल मैनेजमेंट से बात की जा रही है ताकि बच्चों में कॉन्फिडेंस आए, पेरेंट्स में कॉन्फिडेंस आए और अभी देखना होगा कि कल क्या स्टेटस रहता है, क्या कल स्कूल की तरफ से स्टेटस रहेगा। मैम, आप मैनेजमेंट की तरफ से क्या कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे, अभी क्या स्थिति है? सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल में है, बच्चों को घर भेजा जा चुका है और टीचर्स भी अपने घर जा चुके हैं। मैम, क्या कुछ इनिशियली इन्फॉर्मेशन आई थी आप लोगों को? सर, एक मेल आया था मॉर्निंग में और जैसे स्कूल खुला तो ओपन करके देखा गया और उसके बाद फौरन एक्शन लिया गया। जूनियर स्कूल के बच्चों को क्योंकि स्कूल आए नहीं थे तो उनके पेरेंट्स को मैसेज भेज दिया गया कि आप स्कूल बच्चों को ना भेजें, और सीनियर स्कूल के बच्चों को फौरन ही बसेस में बोर्ड कर दिया गया विद टीचर्स, ताकि बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी पर हम पूरी तरह से नजर रख सकें। मैम, एक सवाल ये होता है कि बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, कल भी स्कूल खुलेगा, तो क्या आप लोग उसके लिए कोई प्रिवेंटिव ले रहे हैं, कोई पेरेंट्स से बात
कर रहे हैं या बच्चों को कैसे काउंसलिंग करेंगे? सर, बच्चों को, बच्चे पूरी तरह से जानते हैं और डीपीएस के बच्चे हैं, पूरा कॉन्फिडेंस है और आत्मविश्वास से भरे हुए बच्चे होते हैं। जिस तरह से बच्चों ने मैनेजमेंट और प्रिंसिपल और जिस तरह से सबका साथ देखा और उसमें तेजी से एक्शन लिया गया है। कुल मिला के अभी दिल्ली एनसीआर के 11 स्कूल बताए जा रहे हैं। जैसा कि जानकारी आप दे रहे हैं कि नोएडा के स्कूलों में बम की धमकी वाली बात नहीं सामने आई है, लेकिन दिल्ली के जो स्कूल्स हैं और जो ईमेल आया है, उन ईमेल्स में बम होने की धमकी दी गई है, बम का जिक्र किया गया है। और ऐसे में हालात सामान्य करने के लिए लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से एक्शन लेते हुए स्कूल्स खाली करा के बच्चों को घर भेज के कार्रवाई की जा रही है, तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।